हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज हमारे करीब 20 स्टूडेंट हैं जिनका प्लेसमेंट हुआ है। पीएलसी के 10 स्टूडेंट हैं और सीएनसी के भी करीब 10 स्टूडेंट हैं। मैंने दोनों को लिया है तो मैं बता देता हूँ। सीएनसी का सुजीत कुमार वेस्ट बंगाल से, रिंकू प्रसाद यूपी, सुमित यादव यूपी, राम इकबाल यूपी, कृष्णानंद यूपी, सरोज कुमार यूपी, विनय कुमार राजस्थान, राम विनोद यूपी, कृष्ण चौधरी यूपी और धर्मवीर सिंह यूपी। ये सीएनसी के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट तो बहुत हैं, मैंने 10 को ही यहाँ पे लिया है, अभी तो बहुत लिस्ट है। ये पीएलसी के विश्वनाथ प्रसाद यूपी, गौतम कुमार कोलकाता, वीरेंद्र कुमार कश्यप यूपी, धीरज सिंह यूपी, संतोष कुमार दिल्ली, संजीव चौधरी झारखंड, सूरज कुमार पटेल यूपी, ब्रजेश राजस्थान, मंजर अंसारी छत्तीसगढ़ और संतोष कुमार प्रजापति यूपी। ये 20 स्टूडेंट हैं। मैं सभी का व्यू रिव्यू जो उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको वीडियो में अभी दिखाते हैं। आप प्रत्येक स्टूडेंट का देखें कैसे कैसे कितना सैलरी पे क्या क्या हुआ है, तो प्लीज़ आप उन स्टूडेंटों को देखें। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और मेरे बंधुओं, मैं विश्वनाथ प्रसाद, सन ऑफ श्री सुदामा प्रसाद फ्रॉम यूपी मऊ। मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से पास आउट हूँ 2014 का, और मैं 8 सालों तक भटकता रहा और मुझे कहीं बेस नहीं मिला। जो भी है, मैं सर के पास आया, सर के बताए हुए रास्ते पे चला और आज मुझे नौकरी मिली। सर की 33 साल की एक्सपीरियंस है। सर बहुत अच्छे हैं, सर सबके बारे में सोचते हैं। हमको सर के पास आए, मतलब मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था अभी। सर के पास आके मुझे अपना जो मैंने बैकग्राउंड में नहीं बना पाया था, मैं आज बैकग्राउंड बना लिया हूँ। और सर के आशीर्वाद, गुरु जी की आशीर्वाद रहेगी तो मैं आगे और बढ़ता जाऊँगा। धन्यवाद। मेरा नाम रिंकू प्रसाद यादव, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं ITI टर्नर ट्रेड से पास आउट हूँ और यहाँ पे मैंने ऑनलाइन देख के ही आया था। यहाँ पे सब सिस्टम सही है, जितना भी हो सकता है उतना मेहनत मिलती है, बस आपको भी साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी। और प्लेसमेंट की कोई चिंता नहीं, प्लेसमेंट तो 100% होगा। हेलो, मेरा नाम सुमित यादव, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। सर के यहाँ मैं भी वीडियो देख कर आया था ऑनलाइन, तो सर हमारे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमारे साथ हमेशा ही खड़े रहते हैं। और हमारा प्लेसमेंट हुआ है, ग्रोश कंपनी है उसमें, सर के माध्यम से ही। मिस्टर गौतम कुमार हैं और ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं और ये 2015 के पास आउट हैं। अभी इनका एक देखो कितना बड़ा गैप है जो हमने फिलअप कराया है, और अब ये जॉब के लिए जा रहे हैं। इनके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। MNC में इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना? ओके, थैंक यू गौतम कुमार। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार कश्यप है और मैं बलिया का रहने वाला हूँ। हाँ। आज से एक महीने पहले हम यहाँ पर ज्वाइनिंग किए थे। ज्वाइनिंग करने के बाद वहाँ कुछ दिन ट्रेनिंग किए। ट्रेनिंग करने के बाद सर ने जैसे बताया वैसे किए। सर के पास इतने अवेलेबल कॉन्टैक्ट है जिसको अगर किया जाए तो एकदम परफेक्ट एकदम प्रोग्रामर बन सकते हैं। अगर कुछ भी होता है तो सर से पहले भी आप बात कर सकते हैं और बाद में भी बात कर सकते हैं। यहाँ लाइफ टाइम मेंबरशिप चलता है, इसलिए लाइफ सर के आशीर्वाद से और सर के ज्ञान की वजह से आज हमारा सिलेक्शन हो गया है। हेलो, मेरा नाम मिस्टर धीरज सिंह, मैं गोरखपुर देवरिया के जिला के रहने, और मैं फ़िलहाल मैं गाज़ियाबाद रहता हूँ। मैं ऑनलाइन क्लास देखते हुए मैं गुड़गांव आ गया सर के पास, और मैं ऑनलाइन क्लासेस करता था। फिर एक हफ्ता के लिए मैं उस कंपनी से छुट्टी लेकर आया हूँ मैं, और अपना क्लास करने के लिए। बस क्लास करते करते मैं सर के साथ ऑफर मिला तो प्लेसमेंट मिल गया मेरा, और अच्छी कंपनी में मेरी प्लेसमेंट मिली है। बस सर की दुआ है, आप लोग भी लगे रहिए, आगे चल के बिल्कुल सफल होंगे, जैसे हम हुए हैं वैसे आप लोग भी होंगे। मेरा नाम राम इकबाल है, मैं गोरखपुर से रहने वाला हूँ। यहाँ कृष्णा मेट्रो से मैंने आया कुछ सीखने के लिए, प्रोग्रामिंग सीखी। यहाँ पे आने के बाद से मेरे को बहुत अच्छा लगा और ट्रेनिंग भी ली, ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हुई। मैं पुनः फिर से जा रहा हूँ जॉब करने के लिए। बहुत बढ़िया। आप सर? मेरा नाम कृष्णानंद चौहान है, मैं यूपी और यूपी बलिया का रहने वाला हूँ। और जो है कि CNC मैंने सुना नहीं था, लेकिन इसके बारे में सुनने के बाद हमें लगा कि CNC करना चाहिए और बहुत बढ़िया कोर्स भी है,
और यहाँ पे जैसे कि सर ने पढ़ाया, गोपाल सर ने बहुत ही बेहतरीन पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और जो है कि हमने यहाँ पे सीएनसी जैसे प्रोग्रामिंग, सीएनसी प्रोग्रामिंग, बीएमसी प्रोग्रामिंग, ऑटोकैड, डेल कैम, हमने सब ने सब पढ़ा हुआ है। मैं सब सर जो है बहुत अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं। और यहाँ पे जिन भाई को भी ट्रेनिंग लेना है तो वो यहाँ पर कृष्णा ऑटोमेशन गुड़गांव आए, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार की फैसिलिटी भी दी जा रही है और बढ़िया से पढ़ा भी रहे हैं सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, प्रताप गुर्जर, राजस्थान अजमेर का रहने वाला हूँ। हाँ, मेरा भी ITI कम्प्लीट हो चुका है। हाँ, और एक मैंने एक ट्रेनिंग के बाद मेरे यहाँ रोबोटिक ऑटोमेशन में गुड़गांव में जॉब ले रहा हूँ। रोबोटिक ऑटोमेशन में? हाँ। अच्छा, तो आपको ट्रेनिंग कैसी लगी, क्या रहा, क्या? ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही सर, बहुत अच्छा सिखाते हैं। एक एक सब्जेक्ट पूरी तरह से अच्छी तरह समझाते हैं, एक एक आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह समझाते हैं। नहीं समझ पाता हम बार कुछ कहते हैं, वही बताते हैं। अच्छा, बच्चे पूरी तरह मेहनत करते हैं। ठीक है। मेरा नाम सनोज कुमार, मैं मेरठ से हूँ। मैंने यहाँ पिछले महीने 4 तारीख में अपना एडमिशन लिया था। और इधर गोपाल सर का व्यवहार बहुत अच्छा है, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। और मैंने यहाँ CNC VMC ऑपरेटर ऑफ उसके ऑफसेट लेना, ऑपरेटर लेना, प्रोग्रामिंग वगैरह सब सीखी है। और सबसे बढ़िया है कि यहाँ के जो स्टाफ वगैरह सब है बहुत अच्छे है, प्लेसमेंट वगैरह करते हैं। आज मेरी प्लेसमेंट हुई है। सर, मेरा नाम विनय कुमार है और मैं राजस्थान से आया हूँ। यहाँ जब मैं आया था तब मुझे कुछ भी इतना मालूम नहीं था CNC के बारे में, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब CNC का नॉलेज हो गया। साहब जी नमस्कार, मेरा नाम राम विनोद है, मैं गोरखपुर से रहने वाला हूँ। साहब, मैं YouTube के द्वारा यहाँ पे देख के मैं आया, और गोपाल सर से जी ने बहुत बढ़िया से बेहतर से हम लोग को पढ़ाया, समझाया, और बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी करवाया। हमारे मानेसर में प्लेसमेंट भी करवाए थे और हम लोग जॉब करने के लिए अब तैयार हो गए हैं। हाय गाइज, मेरा नाम सूरज कुमार पटेल है और मैं अभी इंटरव्यू देकर आ रहा हूँ। तो उसमें बेसिक चीज़ें पूछी जाती है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग बेसिक चीज़ें अगर तैयार कर लोगे ना, जितनी सारी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाती है, हमें उस पर कमांड करना है, न कि हमें और सारी चीज़ें करना है। जो सिंपल लॉजिक है, जो सिंगल पुश बटन से ऑफ ऑन करना, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें हमें बेसिक क्लियर करनी है। हमें ये भी नहीं पता होता कि हम अभी यहाँ करते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन के बारे में है ना, हमें किसी को नहीं पता होता है कि हम क्या करते हैं। यहाँ पे आते हैं, प्रोग्राम बना लेते हैं, लेकिन हमें उसके साथ साथ जो कम्युनिकेशन है उसको अच्छे से काम करना है उस पर। क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादातर हमसे वहीं पूछी जाती है बेसिक चीज़ें, कि हम कौन कौन सा केबल यूज कर रहे हैं। ये नहीं कि हम यहाँ क्लास कर लिए तो हम एक ही बार में उसको हमारा फाइनल हो गया। आपको अगर अच्छे से बेसिक क्लियर करना है ना, तो कम से कम एक वीडियो कम से कम 2 से 3 बार उसको देखें, जिससे कि सारी चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएगी, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं। बहुत बढ़िया। तो सूरज कहाँ से हो आप, कहाँ से? सर, मैं यूपी बनारस से हूँ। यूपी बनारस से हैं मिस्टर सूरज, शक्ल देख ले हो, समझ में आया? बस मेरी यही। और इनका पता है कि एक दो बारी ये भी रह गए एक दो इंटरव्यू में, है ना, लेकिन बाद में इनके समझ आया तो ये फटाफट इंटरव्यू अब निकाल ली। अभी आगे निकालते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सर, मेरा नाम किशन चौहान है, मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ। और मैं सर के यहाँ कृष्णा ऑटोमेशन में CNC के लिए आया था, और यहाँ पर प्रैक्टिकल और थ्योरी बहुत बढ़िया से कराई जा रही है, और इसके लिए सर को बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं कृष्णा ऑटोमेशन का स्टूडेंट हूँ। मैंने यहाँ से 3 मंथ मतलब संडे संडे का स्टूडेंट, 3 मंथ मैंने यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का ऑनलाइन कोर्स किया है, और अब मैं मेरी यहाँ सार कंपनी में प्लेसमेंट हो गई है। ठीक है, थैंक यू। और इनको दे दो, थोड़ा ये बता देंगे ऑनलाइन कोर्स। ये ऑनलाइन स्टूडेंट हैं हमारे, अभी इंटरव्यू के लिए बुलाया था तो इंटरव्यू के लिए आए, इनका सलेक्शन भी हो गया। हाँ सर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजीव चौधरी है। मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था से 2 महीने पहले, फिर मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद सारे प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल करने के बाद यहाँ कंपनी आई, कंपनी में इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है, सारा प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, और सर बहुत अच्छे तरीके से क्लास लेते हैं। आप सभी ज्वाइन करिए, यहाँ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है आपके ग्रोथ के लिए। गैप एक्चुअली 10 साल का हो गया था, मैं दूसरे फील्ड में काम कर रहा था, जिसकी वजह से मैं टेक्निकल मैं पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा था। अभी क्या है कि यहाँ आने के बाद ऑटोमेशन में मैं पूरी तरह से अपने कोर टेक्निकल में जा रहा हूँ, जिससे कि मेरा ग्रोथ बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है। हेलो, मेरा नाम धर्मवीर सिंह है, फ्रॉम एटा से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2 महीने पहले ट्रेनिंग सीखी थी,
उसके बाद अभी मैं एक लैंड को भी देखता हूँ साथ ही साथ, जैसे प्रोग्राम एडिट करना या वेबसाइट डालना सब कुछ मैं ही करता हूँ। सर मेरा नाम संतोष कुमार प्रजापति है, मैंने कृष्णा ऑटोमेशन अभी 1.5 महीने पहले ज्वाइन किया और यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने मिला। सबसे अच्छे हमारे सर यहाँ गोपाल सर हैं, जो हमें हमेशा हर कदम पे कम्युनिकेट करते रहे और हर एजुकेशन को हम लोग से शेयर किया और बढ़िया पढ़ाया, और आज जाके एलसीएफ में हमें जॉब मिला, टेली कन्फर्मेशन हुआ, और इसके लिए गोपाल सर और बाकी जात कृष्णा ऑटोमेशन के सभी स्टाफ को, बेसिकली बबीता मैडम, गोपाल सर और हमारे मित्र जो हैं और सर, सबको धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, इनके लिए ताली बजा दो थोड़ा।